केवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। कर्नाटक मैसूर के नरसिम्हराजा क्षेत्र की व्याप्ति में आने वाली मैसूर नगर निगम के वार्ड 17 हलीम नगर में 4 मई को हुई वारदात को लेकर एक पक्ष ने कल केवी न्यूज़ के माध्यम से प्रज्वल अस्पताल में भर्ती लोगों ने जो बयान दिया था उसको लेकर आज हलीम नगर के निवासियों ने समाज सेवक और कांग्रेस की हिमायत करने वाले अवेश को निर्दोष कह रहे हैं। आइए सुनते हैं निवासी ऑटो चालक मोहम्मद इमरान का यह बयान। कमेटी वाले जो हमारा अलीम भाई यहाँ इन्हों को कमेटी वाले सेक्रेटरी इन्हों को और कैशर समी भैया उन्हों आजम भाई ये 4-5 जने आपको अवेश से हाथ मिला डालती। यह हाथ मिलाने के बाद सदर साहब को मालूम हो जाता। सदर साहब को मालूम हुआ के बाद दोनों क्या करती है खौरे एक मिंबर को बुला को क्या रे वे आलिम भी उन्होंने मिल गए अब क्या रे तमना स्वामी का लगो तब बोलती तब इन्हों क्या करती है घर का मामला ले लेके दगलबाजी करको इन्हों ऐसा ये साजिश करते हैं ये इन्हें लड़ी को आना क्या भी एक हमें मकसद से इनको यह करना कर लगो बोल को लड़ी को यह करते हैं ये अलीम हमारा हमारे सेक्रेटरी साहब हमारे एरिया के मिले के बाद ही चेतना जज्बा बना को ही सो इन जो कमेटी में थे वो हाँ। लोग अवैध से हाथ मिलाने के बाद में जो है हाँ। ये जो है वो चाल चली गई हाँ। ये आपका ये घर का मामला ले लगा को ना ऐसा ये कर नहीं सो हमें अल्लाह तनवीर सेठ साहब से क्या करते हैं कल वो बोले तो हमारी गुजारिश है मोहल्ले वाले हैं कि क्या कर ले को बोले तो जो इम्तियाज को सदर बना को ही जो इम्तियाज को सदर बना को ही उसे इल्लू को अगर जब कमेटी से निकाल डाले तो हमारे एरिया से एरिया में हमें निकालने का हक नहीं है वो उनका घर वो हमें ये नहीं है कमेटी से निकाल डाल को दूसरों को कमेटी बनाया था मैं अल्लाह तनवीर सेठ साहब से गुजारिश करता हूँ कि निकाल दिया तो मोहल्ला कैसा पहले इत्मीनान था वैसा रहता। ये लड़ाई का मकसद क्या कर ले तो बोले तो इन्होंने घर का मामला ले लगा को घर का मामला ले लगा को उन्होंने यहाँ मोहल्ले में कितने दल्ले को फिर दी जैसे कि उन्हें पहले नाम बोलो मोहम्मद इमरान मेरा नाम है। क्या काम करती हैं मैं ऑटो ड्राइवर है 35 साल हुआ मैं पैदा होकर हैंड बढ़ावा झोपड़िया में हुआ ये होकर अब तला कोटा में यहाँ था मैं अब उन्होंने घर का मामला ले लेगा को उन्हें घर के मामले वाली बच्ची उन्हें 1000 भी बुलाता बच्ची 1 घंटे रात को घर से बाहर आने की इजाजत कैसा हो जाते जैसे अम्मा सपोर्ट करी तो अम्मा सपोर्ट घर वालों के सपोर्ट के सपोर्ट से आपको ऐसा इन्हें वैसा चीज कौन भी भूल चुको कौन भी आती नहीं उन्हें ऐसा तो 1 साल से इसे अम्मा को मालूम था हमें काना से सुन को इनसे ये 1 साल से अम्मा को मालूम इसका जातिला पैसा इन्हें कमारा सो कमाई का देख ले को इसे जाल में फंसा ली छोकरे को ये जाल में फंसा ले को क्या करी उन्हें रसम हुआ उसका रसम होते के मान उन्हें क्या करता छोकरी फोन कर चे जैसे कि आप क्या कल न्यूज में बोल को ही बुला ले को गया अगले वो सब झूठ हो क्या बोलो वो सब झूठ इन्हें जाते लामा मिला पैसा देख लगो मैं छोकरे को ये जाल में फंसा लेना यानी कि इसे मालूम था इन्हें शादी शुदा अभी मैं इसे जान से फंसा ली तो मुझे पैसा आता वो लोग भी एक जमाने से यहीं पे हैं क्या हाँ है, पर है। उनके बाप दादा उनके दादा नाना सब इधर ही थे तो एक दूसरे की पहचान हाँ, एक दूसरे की पहचान थी और वो लड़की को पता था इसे वैशा लड़की जो अवैध से शादी हो को है उसे पता था ये शादी शुदा है 2 बच्चों का बावा है बीबी है लेके उसे पता था इन्हें जाल में फंसा लेने के वास्ते इंगेजमेंट होता लड़की जो आयशा वो अवेश की दूसरी जोरू है उसका एंगेजमेंट होता एंगेजमेंट होने के बाद अवेश को फोन आता मैं तुम्हें नहीं आपको बुला ले गए तो मैं जान से मर जाती हूँ को बोलता कौन बोलती है आयशा बोलती है वो क्या करते आती है वो यानी कि अवेश को घबरा हो जाता उन्हें दीवाना हो जाता उसे पता नहीं था उसे यहाँ वीडियो कैमरा खुल को है इसे वीडियो कैमरा है यहाँ उसे हमने जानकारी देखो नहीं था उन्हें हमें वास्ते हमें सर उसके वास्ते बहुत कुछ कर रहे हैं हमें उन्हें हमारे वास्ते करे हमें भी उसके वास्ते बहुत कुछ करे वो क्या करते हैं कैमरा खुला को देखते हैं तब हमारी भाई की गलती है हमारा मोहल्ले का भाई उन्हें उसकी गलती है क्या देखेंगे अगर लोगों देखती है हमें कैमरे में उन्हें सीधा आपस 1 घंटा 12.5 घंटे रहती उन्हें आपको कार में बैठ लेकर जाती है अब ये सपोर्ट नहीं सो कैसा भाई को बच्ची 12 घंटे कोई भी भाई को बच्ची जाना तो अभी अम्मा घाबरी होकर उठ जाते घर से लोहे का दरवाजा खोलते आवाज आता इधर खोलना नहीं तो बच्ची वैसा तो अम्मा दरवाजा खोलना नहीं सपोर्ट नहीं से चले जाए किसे भी अल्लाह मेरे पेट में भी ना कर साथ दिया है मैं हमें झूठ बोलते रहे तो अल्लाह हमारे ऊपर उतार डालता क्या बोलो ये के खिलाफ नहीं बोलना हक का फैसला वो हो गया वो लड़की भी गई फिर उनके ऊपर केस भी हुआ फिर ये भी जेसी को जाके आए ये सब तमाम मामला हो गया था
अब ये कल का आरोप क्या है करके आरोप तो, क्या है कल को बोले दुश्मनी तो, निकालने के लिए फिर हमला किया गया ऐसा क्या हमला कर, क्या वास्ते होता कल को बोले तो हजरत हली पाशा रहमतुल्लाह का संदूल है जी, वो संदूल के बारे में हमें लड़के लोग खवाली रखो कल को कमेटी से परमिशन ये करते हैं, ये ऐसा खवाली हमें नहीं रखते, हमारे पास पैसा नहीं है कल को बोल के हमारे अलीम भाई उनसे पैसा रहते हैं, वो नाना के ससुर नाना जो है उन्होंने सदर वो सदर इन्हों क्या करते हैं अब उसे अवेश को हमें लिए तो यहाँ काम ऐसा हो जाता वैसा हो जाता कल को उनके नाना इनको सब भड़का को दे रही किसे अलीम को कमेटी वाले भड़का को दे रही कमेटी वाले को खिलाफ करना चाह रही सुनो अवेश से खिलाफ हो जाना उन्होंने वैसा ये कर ले वो क्या करें उसे खिलाफ पूरा उसका नाम खराब हो जाना उसका नाम इन्हें इलेक्शन को नहीं खड़ना अल्लाह फजल करम से उन्हें क्या भी गलती कर को नहीं है उन्हें इलेक्शन को खड़ता है बाखाता हमें खड़ाते हैं हमारे मोहल्ले वाले एक साथ होकर उसे जिताने की कोशिश करते हैं उसे कह नहीं थे और ये जो मामला ये हुआ हमें जो परमिशन लेटर ले लगाने के वास्ते जाते रहते हैं उन्होंने क्या करते हैं खड़ाते हैं हमारे एक भाई साहब को खलील जैसे कि उन्होंने गैबा कैशर थे सेक्रेटरी थे उनको बुला ले जाने के वास्ते खड़ाते हैं ये घूर को अभी अभी दो जने रहते हैं अब उसका साला अभी अवैध दो जने रहते हैं सरकार में वो जो उन्होंने बोले लांगा ले लेके आए वो सब झूठ वो लांगा ले लेके तीनों घर से ले लेगा को ले लेगा को सिर को मारे वो लकड़ी छोकरी के जो सिर पे खुल को है हवा के मामले से उनकी घर की सीट पड़ को बुढ़ा खुल को है तो वो जो परसों बारिश हुआ उस टाइम को सीट खुल को बरसात पड़ को वो सीट का सीट पड़ के बुढ़ा खुल को है तो वो अवैध के ऊपर झूठ लगा रही है और इन्होंने क्या करते हैं निकाह निकाह ये जो चाहते रहते हैं संदोल के वास्ते परमिशन ले लगाने के वास्ते तब इन्होंने खड़ा को वो तब्रेज कले के बोल को फोन कर को गाली देता जैसा उन्हें फोन कर को गाली देता किसे बोलिया उन्हें अब दो लड़के रहती सो उसका साला भी अवैध उन्होंने कार में खड़को रहती सो घूर ना ऐसा अच्छे रमजान में भी ऐसा लड़ी डालता उन्हें तब्रेज है ना उन्हें लड़ी डालता रमजान में सेक्रेटरी को भी सदर को ले लो जो उनके भाई इल्लू ही उन्हों भी मिलको जो कमेटी में आई के बाद इतना फितना हो रहा था मोहल्ले के अंदर पहले इन्होंने जो सदर सेक्रेटरी थे ये किप नाम से 15 साल से हमारा अल्लाह तनवीर सेठ साहब जो कमेटी बना को दिए थे 15-20 साल अवैध चला ले गए एक दिन भी गलत ऐसा नहीं हुआ था ये जिस दिन ये माहौल ऐसा हुआ ये घर का मामला ले लेके इन्होंने कमेटी से अवैध को निकाला के ये दोनों जातिला मामला यहाँ पे अभी जो है साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सियासत को बिगाड़ने के लिए घर के मामले को साथ में लेकर इनको लड़की को लेके कोशिश कर रही वो लड़की बुले को शोहाफ कर रही यानी कि इन्होंने यता नहीं सूट रही मेरी बच्ची की बदनामी हो रही है क्लब उन्होंने सोचा सूट रही अब मैं हजार रतीन देखने वाले अभी न्यूज चैनल कहते कहाँ कहाँ जा पाए आपको ही पता चलता हमारे को ये नियम है जब हमें देख लेते हैं दरी खाई जाते हैं वो भाई को अच्छा ये लोग कुछ उनके पास से पैसे की वसूलात करने के लिए कुछ मांग रखे हैं क्या लड़की लोग हाँ अच्छा वो शादी होने के बाद जो बोलती हूँ ना मेरे को 30 लाख रुपया दे डाले थे मेरी बच्ची को मैं छोड़ डालता मेरी दूसरी जगह निकाह पढ़ा लेती हूँ वो जो रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास जैसा उन्होंने जो छोकरी के माँ साहब पूछ को ही हमारे बच्चे को जो 30 लाख रुपया हमारी बच्ची को दे डाले तो हमारी बच्ची को हमें दूसरी जगह निकाह करा को उसे धंधा जीना जीत पर डाल के उसे दे डाल लेंगे उन्हें छोड़ डाले तो भी सही कल को अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बोलते हैं और महिला पुलिस स्टेशन में छोकरे के वालिदी बोलती हैं तो जो अवैध है हमारा अवैध है जो उन्हें बोलता है महीने को 3000 रुपया देता हूँ बोल के गवर्नमेंट पुलिस वाला ये करता तभी ना छोकरे के वालिद क्या बोलती है उसका मेरे को पैसा भी नहीं चाहिए छोकरी के वालिद हाँ छोकरी के वालिद मेरे को पैसा भी नहीं चाहिए उसका पैसा भी नहीं चाहिए उसका खाना भी नहीं चाहिए मेरी बच्ची को मैं 6 महीने तक पाल लेता हूँ 6 महीने के बाद वो क्या फैसला करती करें देकर लग बोलती ये उसके बाद ऐसा मामला होता है। अच्छा ये भी बात सुनने में आई कि 6 महीने करीब आने को है उसको लेकर जो है उसको बिगाड़ने के लिए ये खेल खेला गया है नहीं, क्या ये बात सच है क्या? नहीं नहीं वो सब झूठ ये जाते थे संदोल के मामले में परमिशन लेने के जब वो छोकरी का चिच्चा उठा के गाली देता तब भी उन्होंने जाके पूछते तू किसे गाली दिया इतना पूछते हैं वो जो किसे गली दिया कर लेके ऐसा ठेला ठेली होते वो जो तब्रेज ले लगा के राड ले लगा के मारने जाता तब वो राड छीना लेके अवैध अभी अभी मैं आया तो भी वो ही करता हूँ आप ले लेगा मेरे तो मैं क्या माला खले खड़ जो नहीं वो उठा को राड लग मारता मेरी जान बचाओ को जो है उन्होंने वो उठा को मारने गए उनके जो वालिद थे उन्होंने बीच में आ गया तो उनको मारना कले को गए नहीं उन्होंने जो वो उम्र वाले आदमी हाँ वो जो उनको मारना कले को गया नहीं वो जो नाना हमारा नाना वो जो बोल रही है लड़की की लड़की बोल रही है ईशा हमारा नाना का फैसला हक का ये लेना ये वो बोल रहे हैं ना वो सब झूठ वो जमाने से वो उन्होंने भी उन्होंने ठाकुर पाली तो एक घर में थे आजू बाजू वाली थे अब एक डिफरेंस हो कहीं से 100 मीटर डिफरेंस हो कहीं से पहले एक ही घर के बाजू बाजू वाली झोपड़ी